गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में क्लास सेवन्थ का जो सिंपल इक्वेशन चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका मैं सेकंड पार्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप पूरी वीडियो देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन का पहला पार्ट एक्सप्लेन करा था, इसमें मैं सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट थ्री इक्वेशन स्टार्टिंग विद एक्स इक्वल टू माइनस टू। तो हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसका आंसर जो है सॉल्व करके एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस टू आए सॉल्व करने के बाद, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सारी इक्वेशन होंगी जिनका आंसर माइनस टू आएगा, तो वो भी इसका आंसर है फिलहाल तो, ठीक है। बट मैं अपने दिमाग से बनाने की कोशिश करूँगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो इन क्वेश्चन हैं ऊपर में से, इसमें से अगर कोई किसी का आंसर माइनस टू आ रहा है तो उसी इक्वेशन को यहाँ पर आंसर उतार देते हैं, तो ये गलत बात है। आपको अपने दिमाग से बनाना आना चाहिए, कॉपी पेस्ट मत कीजिए, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व इसको। कौन सी एक्सरसाइज है लिख लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 4.3 है, क्वेश्चन 4 का बी पार्ट है ये, ठीक है। और एक्स इक्वल टू आंसर हमारा कितना आना, माइनस टू आना चाहिए। अब इक्वेशन बनानी है, एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स तो चाहिए चाहिए, इक्वल टू साइन भी चाहिए। अब देखो जो सिंपल से सिंपल इक्वेशन बना रहे हैं, एक्स अगर मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ पर मैं प्लस 4 रख लूँ और यहाँ पर मैं 2 रख लूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, अब ये 4 जब मार के इधर जाएगा, अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये मैंने इक्वेशन बनाई है, अगर मैं इसको एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो इक्वल टू 2, और जब मार के जब 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 2 माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है, 4 माइनस 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये 4 क्या माइनस का, ये ग्रेटर, ग्रेटर का साइन आता होता है इसके बाद, 4 क्या हमारा ग्रेटर है तो इसका साइन क्या है, नेगेटिव। तो आंसर हमारा क्या आ गया, माइनस का 2। उसका मतलब कि जो हमने इक्वेशन बनाई थी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 2, वो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर आपके होंगे, ये मत सोचना कि जो आंसर मैंने बनाया है वो पीछे वाले आंसर से मैच नहीं कर रहा तो गलत है। नहीं, इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो बहुत सारे हैं, कोई पता नहीं, हर बच्चा अलग दिमाग से बनाए तो अलग टाइप के क्वेश्चन बना सकता है। बट आंसर हमारा सॉल्व करने के बाद माइनस टू ही आना चाहिए, ठीक है। सपोज़ नेक्स्ट को इक्वेशन मैं बना रहा हूँ आपके लिए, नेक्स्ट इक्वेशन मैं बनाता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पर 4x ले लिया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर मानो कि मैंने 2 ले लिया है, ठीक है। अब मुझे 2 चाहिए यहाँ पर, मुझे सॉल्व करने के बाद 2 चाहिए। मैं सोचूंगा अगर ये 2 को भी हटाना है और इसको भी हटाना है तो ऐसा नंबर लूँ कि यहाँ पर ये 2 हट जाए और 4 के साथ डिवाइड होने के बाद क्या माइनस का 2 आए। तो पहली बात तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये माइनस लेने के बाद अब यहाँ पर मैं 6 ले लेता हूँ, देखो, ठीक है, माइनस 6। इससे क्या होगा, जब ये 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। और 4 जब नीचे आएगा तो 8 को काटेगा तो माइनस का 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ये मैंने सब चीज़ें दिमाग में सोची, आपको भी दिमाग में सोचना होगा इसके लिए। तो 4x इक्वल टू ये है माइनस का 6, जब मार के 2 गया ये भी हो गया माइनस का, ठीक है। तो 4x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस साइन किस करेगा, माइनस का। तो 6 प्लस 2 8 हो गया। अब x इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 4, 4 बन जा 4, 2 जा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 2। देखो आंसर हमारा फिर से माइनस 2 आया। इसका मतलब जो ये इक्वेशन मैंने बनाई है ये क्या बिल्कुल सही है। एक इक्वेशन मैं और बना देता हूँ आपके लिए, वेरी सिंपल सी बनाता हूँ, ठीक है, जो कि ज़्यादा टफ नहीं होगी। तो इसका जैसे मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, मैं ले लेता हूँ जैसे कि 6x ले लेता हूँ, ओके, इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है। अब ये एक्स है, मुझे क्या 2 लाना था, तो एक्स इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 6, ठीक, 6 बन जा 6, 2 जा, तो एक्स की वैल्यू क्या हमारी आ गई, माइनस का 2 आ गई। तो ऐसे करके ये मैंने 3 इक्वेशंस बनाई हैं, बहुत ही ईजी हैं। आप लोग क्वेश्चन देखने के बाद इक्वेशंस बनाना जरूर, ठीक है, ट्राई करना। और अपनी इक्वेशंस को बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर लिखना कि आपने कौन सी इक्वेशन बनाई है, ठीक है, तभी आप सीख पाएंगे। अगर आप नहीं ट्राई करेंगे, अपने आप नहीं बनाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। बनाना, जैसे भी बनाना, मैं आपके कमेंट देखूंगा और उसमें मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा सही है कि गलत है, ठीक है। और जो इससे पहले वीडियो है उसमें भी आप कमेंट करना बना के, ठीक है, तो मैं उसके भी रिस्पॉन्स दे दूंगा, इक्वेशन सही है कि गलत है, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लास्ट में एक सर्कुलर आइकन आएगा जिसमें मेरी फोटो लगी होगी, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बेल बटन पर क्लिक करें सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।